हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू अबित शिक्षा. वेलकम बैक टू अनदर सेशन जहां पर हम बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ और साथ ही कुछ स्टैटिक टॉपिक्स को भी यहां पर डिस्कस करेंगे. होपफुली आप लोगों को पिछला वीडियो भी अच्छा लगा होगा एंड उसी का कंटिन्यूएशन में अभी हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे. और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बोला था, इफ़ यू आर गोइंग टू गिव दिस एग्जामिनेशन, मॉक पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अबित शिक्षा ने आपको आपके लिए बहुत 5 सेट का जो है मॉक पेपर जो है लाया था, जिसमें करंट अफेयर्स के, स्टैटिक के, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीएस के, जीके के, एजुकेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं एंड यू कैन टेस्ट योर नॉलेज और उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं. ठीक है, सो विद दिस वी विल बिगन. अगर आपको और जानना है अबाउट दी मॉक पेपर्स, यू कैन गो टू दी यूट्यूब चैनल और वहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल में जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, सो विद दिस एनर्जी लेट अस बिगिन विद टुडेज सेशन. आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट 3 टाइम्स इन द सेम सीजन. ठीक है, सेम सीजन पर 3 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली पहली महिला का नाम क्या था? जुंको तबेई, पूर्णिमा श्रेष्ठा, पसांग लामू शेरपा या फिर लकापा शेरपा. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर वुड बी पूर्णिमा श्रेष्ठा. याद रखिएगा, पूर्णिमा श्रेष्ठा जी जो है उन्होंने तीन बार शी हैड क्लाइम द माउंट एवरेस्ट और शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू डू सो. ठीक है, सो माउंट एवरेस्ट का यू नो आफ्टर यू नो 1960 में इसमें पहली बार किसी ने माउंट एवरेस्ट के तेंगजिंग नॉर्गे एंड वन मोर पर्सन, मैं उनका नाम भूल गई, उन्होंने शायद 1960s में पहली बार जो है दे क्लाइम्ब द माउंट एवरेस्ट और उसके बाद आने वाले 20 सालों में बहुत कम लोग ही चढ़ पाए. बट ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बहुत सारे लोग और साल में बहुत बार माउंट एवरेस्ट को वो लोग चढ़ लेते हैं. ठीक है, तो उसमें ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से पता होना, एग्जाम्पल नहीं, ये आपको एक मिसाल आपको देखने को मिलेगा कि कैसे पूर्णिमा श्रेष्ठा जी ने जो है 3 बार जो है माउंट एवरेस्ट को सेम सीजन में चढ़ लिया. ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन 77th कैंस फिल्म फेस्टिवल ठीक है, तो कैंस फिल्म फेस्टिवल इस बार बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तो उसमें हमें देखना है कि किनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पहली बार दिया गया इन द 77th कैंस फिल्म फेस्टिवल. प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, अनुसूया सेन गुप्ता या फिर आलिया भट्ट. इसका जो सही आंसर है दैट इज अनुसूया सेन गुप्ता. ठीक है, अनुसूया सेन गुप्ता जो है उनको बेस्ट एक्ट्रेस का जो है अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया. ठीक है, ऐसे कभी कभी अवार्ड्स के बारे में बहुत बार आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने ये अवार्ड रखा. एक और अचीवमेंट जो है वो हम देखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में, वो भी आपके कांस के रिगार्डिंग ही है, तो वो हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय पनिनी. ओके, तो आंसर आई थिंक यहाँ पर गलती से यहाँ पर पनिनी होना चाहिए था, डैश होना चाहिए था, बट यहाँ पर अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय वेदव्यास, पनिनी, शुक्रदेवा या फिर वाल्मीकि. इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा पनिनी. पनिनी जो है बहुत फेमस ग्रामरियन थे. ठीक है, संस्कृत ग्रामर उन्होंने लिखा था, तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय पनिनी. ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में एरर हो गया, बट ये याद रखिएगा अष्टाध्यायी जो है वो पनिनी जी के द्वारा जो है लिखा गया था. इट्स अ संस्कृत बुक ऑफ ग्रामर. ठीक है, इट्स अ संस्कृत बुक ऑफ ग्रामर. ठीक है, ये याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्टिस फॉर द जज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते और ये क्वेश्चन को आना ही होगा आप लोगों को. ठीक है, जस्टिस फॉर द जज एन ऑटोबायोग्राफी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुम. ठीक है, किनका जो है जस्टिस फॉर द जज जो है ये बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए रंजन गोगोई, ऑप्शन बी वाई वी चंद्रचूड, ऑप्शन सी डी वाई चंद्रचूड या फिर एम फतिमा बीवी. इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई जी के द्वारा जो है ये लिखा गया है, जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी. ये जो बुक है ना, ये श्री रंजन गोगोई जी के द्वारा जो है लिखा गया है. ठीक है, तो ये बुक्स पे बहुत बार क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा एंड हमने जो मॉक पेपर्स डाला है ना उसमें भी वी हैड मेक श्योर कि बहुत सारे ऐसे फेमस बुक्स जो लास्ट ईयर न्यूज़ में रहे हैं उनको हम लोगों ने डालने की वो मॉक पेपर्स में डालने की कोशिश की है. ठीक है, सो वो अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को बेटर इनसाइट्स जो है वो भी मिलेगा. ठीक है, तो रंजन गोगोई जो है इट्स दी करेक्ट आंसर, ये आप लोगों को आना चाहिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने बोला था ना कांस के ऊपर एक और क्वेश्चन रहेगा, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर टू विन ग्रैंड प्रिक अवार्ड एट द कांस फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, और कौन सी जो है डायरेक्टर है वो फिल्म मेकर है उनको कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक अवार्ड जो है वो दिया गया। दिस इज अ वेरी वेरी बिग डील ऑल्सो, ठीक है, पहली बार किसी को ग्रैंड प्रिक अवार्ड जो है वो दिया गया। ऑप्शन ए मीरा नायर, ऑप्शन बी पायल कपाड़िया और ऑप्शन सी अनुराग कश्यप, ऑप्शन डी सत्यजीत राय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया को जो है कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है यहाँ पर उनको जो उनकी मूवी है उनके लिए सम्मानित किया गया विद ग्रैंड प्रिक अवार्ड, ठीक है। सो ग्रैंड प्रिक अवार्ड अगर उनको दिया गया है तो उनकी मूवी का नाम भी जान लेते हैं, उनकी मूवी का नाम क्या है वो भी जान लेते हैं। फॉर विच फिल्म डिड पायल कपाड़िया विन दी ग्रैंड प्रिक अवार्ड इन कांस फिल्म फेस्टिवल? तो ऑप्शन क्या क्या है, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, ऑप्शन बी द लंच बॉक्स, ऑप्शन सी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, या फिर ऑप्शन नंबर डी मसान, ठीक है। तो लंच बॉक्स और मसान तो बहुत पुरानी फिल्म है, ठीक है, सो इस बार तो मे बी नहीं मिल सकता, अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग या फिर ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट हो सकता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट है, ठीक है, यस ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। कांस बहुत न्यूज़ में रहा था इसीलिए मैंने तीन चार क्वेश्चन जो है कांस से उठा लिया है, ठीक है, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, वी नेवर नो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु बिकेम द, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट जिमनास्ट टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन चैंपियनशिप्स इन ताशकेंट उज़्बेकिस्तान ऑन 26 मई 2024? ऑप्शन ए मेरी कॉम, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी दीपा कर्मकर, ऑप्शन डी साइना नेहवाल, ठीक है। तो किनको जो है जिमनास्ट है, ठीक है, जिमनास्ट अभी आप क्वेश्चन में ही जिमनास्ट लिखा हुआ है, तो मेरी कॉम जी जो बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है, पीवी सिंधु जी जो है आपकी बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, साइना नेहवाल जी जो है वो टेनिस से एसोसिएटेड है, एंड बचा कौन, दीपा कर्मकर जी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली दीपा कर्मकर जी जो है वो होना होगा, ये इसको आप इजीली एलिमिनेशन से एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाते, ठीक है। ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को अभी तक सेशन बहुत इंजॉयबल लग रहा होगा, एंड बहुत सारे डाइवर्स जो है क्वेश्चन मैंने स्टैटिक से भी उठाए, थोड़े करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व करने की हमने कोशिश की है, ठीक है। यस दिस इज अगेन आई वुड से अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्री मानसून साइक्लोन ऑफ 2024 इन द बे ऑफ बंगाल मेकिंग द लैंडफॉल ऑन 26 मई 2024? तो ये आप लोगों को याद होगा, अभी कुछ पहले ही डिवास्टेटिंग जो है साइक्लोन आया था इन द बे ऑफ बंगाल रीजन और उसका लैंडफॉल जो है कोलकाता के आसपास हुआ था, तो बहुत ज़्यादा जो है साइक्लोन जो है बहुत बड़ा ही साइक्लोन था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, साइक्लोन फनी, साइक्लोन आम्फान, साइक्लोन यास या फिर साइक्लोन रिमाल, ठीक है। इसका जो सही आंसर क्या है, साइक्लोन रिमाल। ये जो रिमाल है ये नाम ओमान के द्वारा जो है दिया गया था, ठीक है, रिमाल जो है वो साइक्लोन रिमाल जो है ओमान के द्वारा जो है ये नाम जो है दिया गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज साइक्लोन रिमाल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट, गौतम बुद्धा जी को जो है एनलाइटमेंट कहाँ पर अटेन हुआ था, ठीक है। तो सारनाथ, बोधगया, वाराणसी, लुम्बिनी, लुम्बिनी में तो उनका जन्म हुआ था, ठीक है। एनलाइटमेंट कहाँ मिला गया है वो आपको पूछा गया है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि धर्म चक्र प्रवर्तना जो है उन्होंने कहाँ पर, उनका फर्स्ट सरमोन कहाँ पर दिया, ठीक है, उनको एनलाइटमेंट कहाँ पर, कौन से पेड़ के नीचे हुआ था, क्या ये सब आपको पता होना चाहिए, उनके घोड़े का नाम क्या था, ये सब पता होना चाहिए, कौन से क्लैन से आते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, महाबोधि पेड़ के नीचे जो है उनको जो एनलाइटमेंट है, ज्ञान की प्राप्ति जो है महाबोधि ट्री के नाम पे, बोधि पेड़ के नीचे जो है वहाँ पर उनको हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बोधगया, बोध गया विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। बोध गया में जो है उनको एनलाइटमेंट जो है वो अटेन हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन से दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, June 3, June 5, August 23 या July 6? तो इसका जो सही जवाब है दैट इज June 5, ठीक है। June 5 को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, 1972 में पहली बार बहुत सारे देश जो है ना वो साथ में आकर, स्टॉकहोम स्वीडन में एक जगह है,
स्वीडन में एक जगह है, वहाँ पर वो लोग आए, वो लोग इकट्ठा हुए एक जगह पर, उन्होंने डिस्कस किया कि हमारा एनवायरनमेंट को हम इतना ज़्यादा डिग्रेड कर रहे हैं, इतना ख़राब हो गया एनवायरनमेंट का जो नेचर है, ठीक है, हमारा नेचर को हमने इतना ख़राब कर दिया, क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से होने लग गया था आफ्टर 1970s, जब हमें होश आया कि हमारा नेचर को हमने इतना एक्सप्लोइट कर दिया। तो स्टॉकहोम में जो पहली बार जाकर मिले 1972 में, उस कॉन्फ्रेंस में जब गए, इस दिन को डिमार्केट करने के लिए हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मनाते हैं, दैट इज़ ऑन जून 5th को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में जो है मनाते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हो, इंटरेस्टिंग लगे हो, अगर आपको कोई कुछ और आप में बताना हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। एंड दिस प्लेलिस्ट इज वेरी रेगुलर, आपके एग्जाम जब तक हो जाते तब तक ये वीडियोस जो है आते रहेंगे, एंड एवरी डे डिफरेंट सब्जेक्ट का वीडियो आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो यू जस्ट एंगेज विद अस गाइज एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।